तकवे का जो रूट वर्ड है अरबी में वो है वका। वका कहते हैं अरबी में बचने को, यानी जिस शख्स को ये यकीन हो कि किसी हस्ती ने मेरी मर्जी के बगैर मुझे पैदा किया है और वो मेरे साथ कुछ भी करने पर कादिर है, उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से गुनाहों से बचना और फराइज पर इस्तकामत इख्तियार करना, ये है तकवा। अब वो गुनाह हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और फराइज भी हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सूरतुल हुजरात में वाज़ेह तौर पर आया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, और रमजान का मकसद भी तकवा है। अब मुझे ज़िमनन हदीस याद आई जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, निकाह वाले चैप्टर में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों के गुरु, तुम में से जो निकाह की इस्तेदात रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह करे, ये चीज उसके शर्मगाह की हिफाजत में मदद करेगी और निकाहों को नीचा रखने में उसको सपोर्टिव होगी, और जो निकाह की इस्तेदात ना रखता हो यानी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट ना कर सकता हो इस दवाजी जिंदगी को, तो वो रोजे रख कर अपनी शहवत को ठंडा करे। यानी रोजा जो है ये तकवा के हुसूल का एक जरिया है।